शुरू खुदाए बुज़ुर्ग के नाम से जो रहमान और रहीम है। चूँकि गुज़िश्ता दिनों ईद के अयाम थे तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी, आप सब लोगों ने खूब इन्जॉय किया होगा। तो आज भी हम लोग भी आज इसी सिलसिले में आए हुए हैं गांव इन्जॉय करने के लिए अपने कज़न के साथ जो कि इस्लामाबाद से आए हुए हैं हमारे साथ ईद मनाने के लिए। तो आज के ब्लॉग के बारे में बात करते हैं, मज़ीद बताता हूँ आपको कि जिस तरह आप लोग जानते हैं मियांवाली का इलाका नहायत ही गर्म इलाकों में आता है, मैदानी इलाका है, तो मई जून जुलाई के महीने में सख्त गर्मी पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं इस गर्मी के तौर के लिए, हम आ जाते हैं ट्यूबवेल पे नहाने के लिए या दरिया पे नहाने के लिए या नहर पे। तो आज भी यही सीन है कि हम इधर गांव आए हुए हैं ट्यूबवेल पे नहाने के लिए। और सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि मियांवाली से गाँव तक हमारा सफ़र कैसा गुजरा और प्लान कैसे बना। तो पहले चल के आपको वो दिखाता हूँ। इस वक्त रास्ते में हम और जा रहे हैं गांव की जानिब, और ये पीछे मेरे दोस्त अहबाब कज़न वगैरह खड़े हैं, यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान ले रहे हैं और आगे की जानिब जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको दिखाते हैं कि हमारी यूँ कह सकते हैं कि देसी पिकनिक किस तरह हो सकती है। ये पीछे मुदस्सिर सरोज खान अली हमज़ा और ये हमारे इधर से मिसम भाई और मुंजिर मेहदी और हमारे एक और कज़न अतहर मेहदी भी आ रहे हैं। और ये हमारा इस साइड से गांव स्टार्ट हो रहा है, ये इधर से ये यहाँ से गांव स्टार्ट हो रहा है। ये साइड पे खड़े हैं अली हमज़ा नकवी, ये इस्लामाबाद से स्पेशली इसी पिकनिक के लिए आते हैं। ये देखें थोड़ा कैमरे को देख के शर्मा रहे हैं आप यूँ कह सकते हैं। बाकी इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या है इस गाँव में कि आप उधर से इस्लामाबाद जैसी जगह को छोड़ के यहाँ पर आते हैं इन्जॉय करने के लिए। हाँ जी बताओ यार, उधर से आप, अच्छा आप बताएँ, चले ये जमीन है, दरिया है, दरख्त है, नेचर को यानी कि नेचर नेचर ब्यूटी, यू नो नेचुरल ब्यूटी अंग्रेजी ना आवे हमको। ये साइड पे मेरे राइट साइड पे खड़े हैं मेरे कज़न जनाब हसन नकवी, ये टूरिज्म के बहुत इशेदाई हैं और आधे से ज़्यादा तो पाकिस्तान में घूमो, वो भी बाइक पे। और ये अभी ये इस्लाम दिखाए भाई, हाँ ये देखें बाइक की प्रमोशन भी हो रही है इस साइड पे। और ये इस्लामाबाद से स्पेशली बाइक पे आते हैं हर साल टूर करने के लिए। इनसे पूछते हैं कि आप क्यों आते हैं यहाँ पे स्पेशली, मीन के आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है गांव की। ऑन द सीरियस नोट आप बताएं कि क्यों आते हैं यहाँ पे, मीन क्या चीज़ आपको लेके आते हैं यहाँ पे। बस अपना गांव है, दूसरा शहर से तंग होते हैं जब ट्रैफिक से लोगों से, तो हम उधर सुकून करने आते हैं। चला भाई दिखाएंगे, आपको दिखाया भी था व्लॉग में। यकीन माने ये गर्मी का सबसे बेस्ट तोड़ है देसी माहौल में। वैसे तो अगर शहर में होते हैं तो वो स्विमिंग पूल हो गया, यहाँ पे ये बेस्ट सीन है, ये वाला, ये जो यहाँ पे ये पीछे चल रहा है ये बेस्ट सीन है गर्मी को ख़त्म करने के लिए।
ये पीछे सरोज खान खड़े हैं नेचर को एंजॉय करते हुए, इनके पास चलते हैं। सरोज खान बताइएगा कैसा फील हो रहा है? मेरा नाम है डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज और मैं मायावी जादू का गुरु। हसन भाई आ रही है भागती हुई, ये अम्मी ना कुछ है वो बैठे खड़ी है। कहाँ पे बैठे खड़ी है? वो काली भैंसे खड़ी है, वो मोटी दो काली भैंसे। अच्छा हसन बता रहे थे आज के डे के बारे में, कैसा रहा आज का? मैं बता तो नहीं रहा था लेकिन आज मैं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था तो आप बता रहे थे। व्लॉग के लिए आपने बताना है। हां तो लाजमी बात है, फिर अब रिव्यू तो लूंगा ना मैं आप सबसे। उस साइड गुजर है अपना गांव, मेरे तो जाय पैदाश भी यही है। खैर हां इसकी बर्थ प्लेस है, डाउनलोड किया था। अच्छा हाँ ये आईटी के स्टूडेंट भी हैं, इनसे आप क्या कहते हैं विंडो आपने करवानी हो, आईडी फेसबुक आईडी हैक करवानी हो और मुर्गे चुर्गे लेने हो, विंडो करना सिखाते हैं हम आपको, करके दे सकते हैं। आपकी फेसबुक आईडी हैक हो जाए तो कोई इशू नहीं, इनसे रابطہ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपको करके देंगे। हैक हुई थी वो बचपन में, तभी तक निकाल आपके ना कर लूंगा। ये था एक डेली रूटीन ब्लॉग छोटा सा जो आपके साथ मैंने शेयर किया, अपने गाँव के सीन और सीनरी वगैरह शेयर की है। और बाकी सरोज खान इस साइड पे खड़े हैं, उनसे पूछते हैं आज के ट्रिप के बारे में। सरोज खान थोड़ा करीब आ जाएं। देखें जब हम दोस्तों के साथ इकट्ठे होते हैं तो वो दिन तो हमारा वैसे ही बहुत अच्छा गुजरता है। आप लोग भी जाते होंगे अपने दोस्तों के साथ तो काफ़ी इंजॉय करते होंगे। हाँ इसी तरह आज हम लोग भी इकट्ठे हुए, इतना अच्छा दिन गुजरा, इंजॉय किया काफ़ी और बहुत ही मज़ा आया। हाँ जी बिल्कुल, यही आप स्टार्ट में मेंशन किए कि हम हर साल सारे कज़न इकट्ठे होते हैं तो खूब हल्ला गुल्ला हो सकता है हम, और खूब इन्जॉय करते हैं इस बात को। और हाँ बतौर यूट्यूबर ये मेरा कहना फ़र्ज़ है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सलामत रहें, मुस्कराते रहें। थैंक यू सो मच।